जनता के बीच में हिंदू मुसलमान की भावना से, जनता के बीच में अगले पिछले की भावना से, जनता में ऊंच नीच की भावना से काम करते हैं और हम भाई से भाई जोड़ने काम करते हैं। इसलिए सिराजों के भाइयों, आप सबको संगठित होना होगा और संगठित होकर के इस देश की आर्थिक आजादी का झंडा माननीय अखिलेश यादव जी के हाथ में। अभी आपने कोरोना काल में देखा भी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना के नाम पर लाखों करोड़ रुपए का बजट लूट लिया और किसी किसान की, किसी मजदूर की, किसी कुटुंबों करने वाले की जान नहीं बचाई। लोग इलाज के अभाव में, लोग दवा के अभाव में, लोग ऑक्सीजन के अभाव में लाखों किसान इस कोरोना वैश्विक महामारी में मौत के मुंह में चले गए। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है और यहाँ तो सबसे ज्यादा एक झूठ बोलने वाला लगा के चंदन बना रघुनंदन ढूंढता है, सड़कों के गड्ढे नहीं ठीक करता है, उसकी भी बात हम कहना चाहते हैं। ये वो धरती है जहाँ पर हमारे सच्चाई के प्रतीक गौतम बुद्ध की धरती है, यहाँ सच्चाई होनी चाहिए। लेकिन वो आदमी जो इसी जनपद का है, लगाता तो चंदन है लेकिन बोलता झूठ है, दिन भर जहरीली भाषा बोलने के लिए रिश्वत वाले उसको यूज करते हैं। ये जाएगा पिछले समाज को समझाएगा, लेकिन मैं दो सौ किसान कहना चाहता हूँ कि आज हमारे पिछले समाज के लोग, खेती करने वाले लोग, मेहनत करने वाले लोग, कुटीर उद्योग करने वाले लोग, जानवर पालने वाले लोगों ने अपनी बात सोच लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटा दे। लगातार यूपी में हत्याएं हो रही है, क्या कहना आपको? उत्तर प्रदेश अपराध प्रदेश बन गया है, अराजकता, हत्या, डकैती, लूट, छिनैती, बलात्कार, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रहे हैं। जब पत्रकार भाई सही बात लिख देते हैं तो पत्रकार भाइयों का भी दमन किया जाता है, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं, उनके ऊपर छापे डाले जाते हैं, धमकाया जाता है। अगर पत्रकारों को धमकाया जाएगा, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लिखाए जाएंगे तो हमारा लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रह सकता है। मनीष गुप्ता की हत्या हुई थी, उसमें अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये दुर्भाग्य है। यही साबित करता है उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था। योगी जी के जिले में एक व्यापारी की पीट पीट कर हत्या कर दी जाए, लगातार प्रत्येक जनपद में दर्जनों हत्याएं प्रतिदिन हो रही हैं। अपराधों पर कोई योगी जी का कंट्रोल नहीं, चूंकि उनका ध्यान उत्तर प्रदेश के अपराधों को कम करने में नहीं है, उनका ध्यान किसानों की फसलों को मूल्य देने में नहीं है, उनका ध्यान उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने में नहीं है। सिर्फ हवा हवाई बातें करना और जहर घोलना समाज में भाईचारे को गड़बड़ करने का काम केवल मुख्यमंत्री जी का है। सड़कों के गड्ढे के बारे में मैंने बोल दिया, इसी जिले के हैं पीडब्ल्यूडी मंत्री जी, उनका मिला है विभाग सड़क का, बात करने लगते हैं दूसरे। तो हम तो उनसे ही पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश की जर्जर सड़कें हमें और उनका कब गड्ढा मुक्त होगा। चार वर्ष का बजट तो पूरा चाट गए और अब पांचवा बजट भी ले लिया, इसके बाद भी उत्तर प्रदेश की जो बनी हुई सड़कें हैं वो ध्वस्त हो गई, वो कब ठीक होगी? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।